वेलकम इन माय ब्लॉग। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। गाइस मेरे को इतने अच्छे से नहीं आता बनाने, फिर भी मैंने ट्राई किया है बनाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैंने लिया है प्याज, टमाटर, लहसुन, शिमला मिर्च एंड पनीर। शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, टमाटर को मैंने कट किया, कट करके साइड रखा और कढ़ाई बैठाई। कढ़ाई में पनीर को फ्राई किया। जब पनीर फ्राई हो गया तो मैंने उसे निकाल के साइड रख दिया। फिर मैंने तेल डाला और हरी मिर्च डाली एंड जीरा डाला। उसके बाद गर्म होने के बाद मैंने शिमला मिर्च और प्याज डाल के फ्राई किया कुछ देर तक। मैक्सिमम 10 मिनट तक मैंने फ्राई किया मीडियम फ्लेम पे। देख सकते हैं गाइस आप, मैंने इसमें मसाले ऐड किए जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, नमक, गरम मसाला। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ऐड। देख ही सकते हैं गाइस मैं ऐड कर रही हूँ मसाले। बाद में मैंने हल्दी पाउडर और ऐड किया क्योंकि मेरे को कम लग रहा था इसलिए। एंड फिर मैंने इसे फ्राई किया। जब तक फ्राई किया तब तक ये रेड ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे किया गाइस। और फिर मैंने यहाँ पे लहसुन लिया और लहसुन को उसमें डाला। काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी गाइस, एक हाथ में मैंने फ़ोन को पकड़ा था और एक हाथ से मैं कूद रही थी। और फिर मैंने इसमें डाल दिया। देखो आप इसकी कलर कितनी अच्छी आ गई है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी जो मैंने काट के रखा था साइड में।
अब मैंने इसमें पनीर ऐड किया। एंड धनिया पत्ता। ये देखो गाइस, इसकी कलर कितनी अच्छी आई है। और मैंने इसके साथ बनाई रोटी। मेरी रोटी को देखो गाइस, एंड ये रहा मेरा सब्जी। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना मत भूलना कि मेरी सब्जी कैसे लगी गाइस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस। थैंक यू सो मच।